शर्मा और वेलकम टू नवेटन। तो शर्मा एक ऐसा चैनल जहां पे बिजनेस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है सबसे पहले। और आज हम बात करेंगे मोदी केयर के बिजनेस प्लान के बारे में, मोदी केयर बिजनेस के प्लान की क्या क्या यूनिकनेस है, इसको कैसे कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। और इसको आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, स्पेशली ये वीडियो बना रहा हूँ कुछ एक्सपीरियंस नेटवर्क मार्केटर्स के लिए, बेसिकली किसी फ्रेशर बंदे के लिए कोई वीडियो नहीं है, ये एक्सपीरियंस नेटवर्क मार्केटर के लिए है। और इस प्लान में इस आज की प्रेजेंटेशन में मैं कुछ पॉइंट डिस्कस करूंगा, और जो पॉइंट होंगे 7 पॉइंट के, हमें कैसे अच्छी कंपनी को चूज करना चाहिए और कैसे उन 7 पॉइंट पे ऊपर मोदी के खरी उतरती है, और कैसे उसमें हम अपने इस मोदी के प्लान को कैसे उतार सकते हैं अपनी लाइफ में, और इस मोदी के प्लान की क्या यूनिकनेस है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस इंडस्ट्री के 7 पॉइंट्स, राइट। इस इंडस्ट्री के 7 पॉइंट्स कौन कौन से हैं कि हमें कैसे एक अच्छी कंपनी चूज करनी चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो इस इंडस्ट्री का है वो है, किसी भी कंपनी को चूज करने के लिए आपको चेक करनी पड़ेगी उस कंपनी की प्रोफाइल। अगर आप एक अच्छी कंपनी को चूज करते हो, अगर आप एक अच्छी कंपनी में आना चाहते हो, अपनी रेपुटेशन बनाना चाहते हो, तो आपको सबसे पहला पॉइंट चूज करना पड़ेगा वो है कंपनी का प्रोफाइल। कंपनी का प्रोफाइल कैसा होना चाहिए। अब कंपनी का प्रोफाइल मैटर करता है, इसके 3-4 पैरामीटर्स हैं, उसके बारे में आपको बात करूंगा आपसे। फर्स्ट पैरामीटर है एज ऑफ द ब्रांड या एज ऑफ द कंपनी, राइट। जो एज ऑफ द कंपनी है, अगर हम मोदी ग्रुप की बात करें तो मोदी ग्रुप का एज जो है वो 1933 से है, और लगभग इसको 85 प्लस ईयर हो चुके हैं आज की डेट में मार्केट में। तो जो ब्रांड, जो ग्रुप 85 ईयर प्लस से वर्किंग में कर रहा है, काम कर रहा है, फील्ड में है, तो उसका एज तो बहुत बढ़िया है और जो एक प्रूवन सिस्टम है। और सेकंड चीज, किसी भी कंपनी में हमें अगर काम करनी, अगर हमें देखना चाहिए तो उस कंपनी का वैल्यूएशन कितना है, उस कंपनी की वैल्यू कितनी है। तो अगर हम मोदी ग्रुप की वैल्यूएशन की बात करें तो लगभग 80,000 करोड़ की वैल्यूएशन है इनकी। देन कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है आपकी कंट्री में, देन एक कंपनी किसके लिए जानी जाती है, राइट। तो आपको ये सारे पॉइंट्स आपको जानने पड़ेंगे कि आपका कंपनी का वैल्यूएशन क्या है, जिस कंपनी का आप चूज कर रहे हैं उसकी एज क्या है, क्या वो कंपनी सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर डिपेंडेंट है, क्या कंपनी को किसी और उनका बिजनेस हाउसेस है कि नहीं, क्या अगर कंपनी में कल को कोई प्रॉब्लम आता है, अगर हमारी गवर्नमेंट अगर कोई चीज ऐड करती है, या अगर हमारी गवर्नमेंट कोई बोलती है आपको ये प्रोजेक्ट लगाना है, तो क्या कंपनी के पास इतना पैसा है कि उस न्यू प्रोजेक्ट में उतना पैसा लगा सके। तो हमें देखना चाहिए एज ऑफ द कंपनी, हमें देखना चाहिए कंपनी की वैल्यूएशन, राइट। सो आपको ये 2-3 पैरामीटर्स आपको कंपनी के प्रोफाइल में आपको जरूर देखनी चाहिए। देन आता है कंपनी का स्ट्रक्चर। आज कंपनी के स्ट्रक्चर की हम बात करें तो कंपनी लगभग 90 प्लस कंट्रीज में जो इनका हाउस है, मोदी ग्रुप है, उसको ऑलरेडी उसमें एक्सपेंड कर चुका है मोदी ग्रुप, राइट। ऑलरेडी 90 देशों में प्लस है इसका मोदी ग्रुप। सो अगर कल को ग्लोबल एक्सपेंशन की बात आती है तो इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी है कि जिस जिस कंट्री में इनका ऑफिस, हेड ऑफिस वगैरह, जहां जहां पे ब्रांच ऑफिस इनके अवेलेबल है, वहां पे मोदी ग्रुप को जाने को या मोदी केयर को लेके जाने में इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब इनका एक, आप मानो कि एक ट्रैक ऑलरेडी बना हुआ है। अभी कंपटीशन में क्या है, उनको ट्रैक बनाना पड़ता है, इनका ट्रैक ऑलरेडी बना हुआ है। ऑलरेडी इनके मार्केट में काफी प्रोडक्ट्स हैं, इन्होंने जस्ट उसको रीपैकिंग करके मोदी केयर में लाना है। ऑलरेडी बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट है। अब हमने कॉस्मेटिक में आए, अभी उसका हमने नाम रखा अर्बन कलर, राइट। इनका क्यों रखा, क्यों हमारा फास्ट आया, क्यों उसकी क्वालिटी बढ़िया, क्यों वो प्रूवन प्रोडक्ट है, क्योंकि इनका ऑलरेडी मार्केट में कलर बार के नाम से एक सक्सेसफुली रेंज चलता है। अभी कलर बार ऑलरेडी 90 देशों में है, तो मतलब अगर उन्होंने अर्बन कलर या मोदी केयर को फॉरेन लेके जाना है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्लोबल एक्सपेंशन ऑलरेडी है क्योंकि इनके पास स्ट्रक्चर पड़ा है, राइट। तो कंपनी का प्रोफाइल तो बहुत ही बढ़िया है, कंपनी की एज बहुत बढ़िया है, कंपनी की वैल्यूएशन बहुत बढ़िया है, कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया है, राइट। तो यहां मोदी केयर की हम बात करें तो प्रोफाइल मोदी केयर का बहुत जबरदस्त है, राइट। सेकंड, कंपनी का प्रोडक्ट। अब मार्केट में अगर आपको लीड करना है, अगर मार्केट के, अगर आप बादशाह बनना चाहते हो, मार्केट के किंग बनना चाहते हो, तो आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि आपके कंपनी जो ऑफर कर रही है प्रोडक्ट्स किस कैटेगरी के हैं। अभी प्रोडक्ट्स के पैरामीटर अलग अलग हैं, जैसे प्रोडक्ट्स को अगर आपने चूज करना है तो उसके 4 पैरामीटर्स हैं, ए बी सी एंड डी। आपको पता होना चाहिए आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो वो किस पैरामीटर की है, राइट। ए कैटेगरी इसको बोलते हैं हम चीप क्वालिटी, चीप प्राइस। क्या बोलते हैं इसको, चीप क्वालिटी चीप प्राइस, बेसिकली नोन एज चाइनीज मार्केट। आप देखो जितनी चाइनीज मार्केट है वहां पे क्वालिटी क्या मिलती है आपको, चीप, और आपको प्राइसिंग क्या मिलती है, चीप, मतलब सस्ती क्वालिटी और सस्ता प्राइस, राइट। सेकेंड बी क्वालिटी आती है, दैट इज कॉल्ड चीप क्वालिटी हाई प्राइस।
ये अपॉर्चुनिस्टिक मार्केट है, मतलब ठगी मार्केट है। यहाँ पे क्या होता है कि आपको सस्ता प्रोडक्ट महंगे में बेचा जाता है, जैसे कपड़ा हो गया, काफी ऐसी कंपनीज थी जो कपड़ा बेचती थी 7,000 की जीन्स, अभी काफी और भी कंपनीज है जो महंगा कपड़ा, मतलब उसकी क्वालिटी कुछ भी नहीं और बहुत ज्यादा रेट उसके लिया जा रहा है, 500 रुपए की जीन आपको 3,000 रुपए में दी जा रही है, राइट। तो इनको क्या बोलते हैं हम, अपॉर्चुनिस्टिक मार्केट, ठगी वाली मार्केट, इनकी लाइफ ज्यादा नहीं होती, राइट। तो ये क्या है, चीप क्वालिटी हाई प्राइस, या इसको हम ये बोल सकते हैं क्वालिटी ठीक होता है लेकिन क्वालिटी के लगभग 20 या 30 गुना प्राइस दिया जाता है उससे, मतलब जो प्रोडक्ट आपको 500 रुपए का इजिली मिल जाता है या 1,000 रुपए का इजिली मिल जाता है, वो आपको 5,000 से लेकर 10,000 20,000 का लिया जाता है, राइट। मतलब क्वालिटी के बराबर प्राइसिंग मैच नहीं करती, राइट। देन सी, हाई क्वालिटी हाई प्राइस। अब काफी कंपनी मार्केट में ऐसी है जिनकी क्वालिटी बहुत ही बढ़िया, इंटरनेशनल क्वालिटी है और इंटरनेशनल ही प्राइसिंग है। बेसिकली दिस मार्केट नोन एज यूएसए मार्केट, यूएस मार्केट। अभी यूएस मार्केट हो गया, कनाडा मार्केट हो गया, यहाँ पे आप एक चीज देखते हो कि यहाँ की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया होती है, प्राइसिंग भी साथ में बहुत ज्यादा होती है, राइट। सो अभी ये इंडियन मार्केट नहीं है, इंडियन मार्केट क्या है, व्हाट इज इंडियन मार्केट, इंडियन मार्केट को क्या चाहिए, आज हमें क्या चाहिए, आज हमें चाहिए हाई क्वालिटी एंड लेस प्राइस, हाई क्वालिटी एट अफोर्डेबल प्राइस, राइट। हमें चाहिए हाई क्वालिटी एट अफोर्डेबल प्राइस, राइट। सो वी हैव 4 मार्केट्स, और जो मोदी के डील करता है वो डील करता है हाई क्वालिटी एंड लो प्राइस। इसको बोलते हैं, इसको एक और चीज बोला जाता है, इसको बोलते हैं इकोनॉमिकल, इसको बोलते हैं इकोनॉमिकल। आज मोदी का इकोनॉमिकल प्रोडक्ट्स में डील करता है, मतलब हाई क्वालिटी एंड लो प्राइस में डील करता है, राइट। सो दिस इज समथिंग कि आप प्रोफाइल प्रोडक्ट, अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे जो बाकी 5 पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करता हूं। सो थैंक यू वेरी मच।